ओम नमः शिवाय, जय माता दी। शिव पुराण की कथा कहती है कि पंच फूलों में से एक ऐसा फूल जिसे महादेव पर चढ़ा दिया जाए तो अगर संतान नहीं हो रही तो उस व्यक्ति को संतान का सुख प्राप्त हो जाता है, या किसी कारणवश वंश की वृद्धि नहीं हो रही, सुख समृद्धि नहीं बढ़ रही, वैभव नहीं बढ़ रहा, या अपनी सुख शांति के लिए, तब हर श्रृंगार के फूल से महादेव की आराधना की जाती है। कहीं ना कहीं इसे पारजात का फूल भी कहते हैं। लेकिन इस फूल को चढ़ाने का तरीका भी है। जब हर श्रृंगार का फूल शिवलिंग पर चढ़ता है तो सबसे पहले इस फूल को अशोक सुंदरी के स्थान पर रखा जाता है। लेकिन जब हर श्रृंगार के फूल को शिवलिंग पर अशोक सुंदरी के स्थान पर रखें तो इस फूल की डंडी शिवलिंग की ओर रखें और फिर इसी फूल को उठाकर माता पार्वती के स्थान पर रखें। लेकिन जब माता पार्वती के स्थान पर वही फूल रखें तो हर श्रृंगार के फूल का मुख शिवलिंग की ओर रखें और डंडी अपनी ओर, फिर माता पार्वती के स्थान से उठाकर उस फूल को शिवलिंग पर रखें, तब हर श्रृंगार के फूल का मुख अपनी ओर रखना और डंडी शिवलिंग की ओर रखना, और फिर हर श्रृंगार के फूल की डंडी से ही महादेव को केसर से त्रिपुंड लगाया जाता है और महादेव से प्रार्थना की जाती है मनोकामना पूर्ति के लिए। अभी केसर यानी हर श्रृंगार की डंडी से केसर कैसे बनाया जाता है वो भी जान लेते हैं। देखिए, 20 से 25 हर श्रृंगार के फूल की डंडी, उसको तोड़ लो, फिर उसको धूप में मत सुखाना, उसको छाया में ही सुखाना। जब वो सूख जाए तो उसको पीस लो, तब उसका चंदन तैयार हो जाए। फिर जब वंश के लिए कार्य सिद्धि के लिए महादेव को हर श्रृंगार का फूल समर्पित करते हैं, उस समय इस हर श्रृंगार की डंडी से बनाए गए चंदन से ही महादेव को त्रिपुंड लगाया जाता है। दोस्तों, हमने अपनी पूरी कोशिश की है आपको समझाने की, लेकिन फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आया हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। हर हर महादेव।